कमिंग टू पुणे और आप लोगों से यहाँ पर पर्सनली आकर मिलकर इट्स अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज पुणे में ऑलरेडी मैंने काफ़ी शोज किए हैं और लोगों ने बहुत प्यार दिया है और हैप्पी हार्डी एंड हीर की प्रमोशनल जो टूर है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सर्ट्स विच इज़ अ वेरी न्यू स्ट्रैटेजी विच द प्रोड्यूसर्स हैव डिसाइडेड टू यू नो दिस इज बीन डिसाइडेड फॉर हैप्पी हार्डी एंड हीर बिकॉज हम लोगों ने ट्रेलर जो है वो अभी तक लॉन्च नहीं किया और यूजुअली फिल्मों का ट्रेलर पहले आता है अभी इस बार म्यूज़िक पहले आया है और आप लोगों के बहुत सपोर्ट और प्यार की वजह से म्यूज़िक बहुत ही बड़ा हिट हो चुका है बिकॉज ऑफ यू पीपल्स एंड पीपल आर लविंग इट तेरी मेरी कहानी को आप लोगों ने इतना प्यार दिया आशिकी ने तेरी को इतना प्यार दिया तो अब ट्रेलर लॉन्च होगा कुछ ही दिनों में और फिल्म रिलीज होने जा रही है 3 जनवरी को 3rd of January 2020 सो इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट रिलीज ऑफ द न्यू ईयर और मेरे प्रमोशनल टूर की शुरुआत वी स्टार्टिंग फ्रॉम पुणे सो रियली हैप्पी बीइंग इन पुणे एंड टुडे वी आर आल्सो गोइंग टू हैव द कॉन्सर्ट तो वहाँ पर आप ज़रूर आइएगा विच विल बी आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल देयर एट द कॉन्सर्ट एट द मॉल सीजन्स मॉल बिकॉज वो वन टू वन कनेक्शन आप लोगों से इंटरेक्ट करने का बहुत ही अलग मज़ा होगा वहाँ पर सो यहाँ पे वी आर हैविंग दिस स्मॉल लिटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइक वन ऑन वन सो यू कैन प्लीज गो अहेड एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट टेल मी फिल्म के बारे में बताइए ना कुछ नए साल का तोहफा लेके आए हैं नए साल का तोहफा कह सकते हैं आप और क्या है कि जो एक प्यार का एहसास एक लव स्टोरी जो हर इंसान को कनेक्ट करे क्योंकि कभी ना कभी हमने किसी न किसी से जब भी प्यार किया है तो कभी कोई फ्रेंड जोन हो जाता है कभी किसी का दिल टूट जाता है कभी कोई प्यार पाता है कभी खोता है तो हैप्पी हार्डी एंड हीर एक प्योर लव स्टोरी है जिसमें एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है आपको आपकी प्रेम कहानी का और इसीलिए कहीं ना कहीं वो एहसास तेरी मेरी कहानी में आप लोगों को एक फीलिंग मिली होगी क्योंकि कुछ चीज़ें आप बयां नहीं कर सकते वो वाइब होती है वो वाइब तेरी मेरी कहानी से आपको मिली चुकी होगी एक लव स्टोरी में हैप्पी का किरदार क्या है हार्डी का किरदार क्या है और हीर का किरदार क्या है तो एक बहुत ही देसी लोगों की कहानी है और उसका ट्रेलर जो है हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे बहुत बड़ी तरीके से लॉन्च करेंगे तो ट्रेलर के लिए जो लोगों की एक्साइटमेंट है उसके लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिलीजिंग द ट्रेलर एंड देन द मूवी कम्स ऑन थर्ड जैन सो आज से हमने प्रमोशंस की शुरुआत की है पर लकीली इसका म्यूज़िक बहुत ही पॉपुलर हुआ है तो इसके प्रमोशनल कॉन्सर्ट्स के ज़रिए एक नई तरीके से हम इस फिल्म को प्रमोट भी करेंगे एंड यहाँ पूरा में आकर आपसे पर्सनली बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कितने गाने हैं फिल्म में फिल्म में 8 गाने हैं लेकिन स्टोरी फॉरवर्ड में है तो छाया गीत नहीं है लेकिन म्यूजिकल में हाँ लेकिन म्यूजिकल हाँ क्योंकि लव स्टोरी में देखिए गाने बहुत ही इंटेग्रल पार्ट होते हैं जब फ्लो यू नो एक स्टोरी फॉरवर्ड में एक लव स्टोरी को कनेक्ट किया जाता है बट सबसे जो मेरे लिए नई बात ये होगी कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि वैलेंटाइंस डे हम 14 फरवरी को मनाते हैं तो हमारा हिंदुस्तानी वैलेंटाइंस डे भी होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट हो कि भाई इंडिया का जो प्यार करने वालों का दिन हो वो कौन सा हो तो ये कहानी एक स्ट्रेट लव स्टोरी है तो 3rd January मैं सोच रहा हूँ मैं आज अपने सारे लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसे ट्रेंड कीजिए कि 3rd January हमारा हिंदुस्तानी वैलेंटाइंस डे मना सकें तो ये मेरी इच्छा है ये होता है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन कोशिश करनी चाहिए एक अच्छी चीज़ है कि वर्ल्ड वाइड लोग जैसे दूसरों का कल्चर
हम लोग 14 फेब मनाते हैं, जो बहुत बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। उसी तरह 3 जैन हमारा इंडियन कम्युनिटी का लवर्स डे अगर मनाया जा रहा है, और 3 जैन को हैप्पी हार्टी हीर आ रही है, तो मेरे लिए वो एक पर्सनल कनेक्ट है। हर इंसान ने जिसने प्यार किया है वो कनेक्ट के साथ ये लव स्टोरी आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको अपने प्यार की कहानी अपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने कॉलेज के दिनों में आपने अपने मिलने कहीं ना कहीं जो प्यार किया होगा उसकी झलक हैप्पी में दिखेगी, हार्डी में दिखेगी, हीर में दिखेगी। क्योंकि हैप्पी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसे फ्रेंड जोन कर दिया गया है, और वो फ्रेंड जोन होना जब आपकी जिससे आप बहुत प्यार करें वो आपको अगर एक दोस्त बना दे तो वो एक अलग ही बात होती है, और सामने हार्डी के रूप में एक बहुत बड़ा अचीवर है। और ये सारी चीज़ें ट्रेलर में आपको नज़र आएंगी, तो ये मैंने अभी तो आपको एक से बात बताई है। ट्रेलर जब लॉन्च होगा तो, और ट्रेलर का लॉन्च करने का तरीका भी हमारा बहुत नया होगा, जिसे ये स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट की है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉन्चिंग द ट्रेलर सून। अच्छा रहा रानू जी, मुझे लग रहा है कि रियलिटी शो में आई और एक उनकी आवाज़ में एक ऐसी डिविनिटी थी, तो मुझे लगा कि तेरी मेरी कहानी के लिए जो ड्यूएट वॉइस में मैं किसी को एक बहुत ही अलग किस्म की डिवाइन वॉइस ढूंढ रहा था, तो मुझे लगा। तो उसी वक्त मैंने ऑलवेज कोशिश की है कि फ्रेश लोगों को, मैं कोई भी टैलेंट हो कहीं से भी, मुझे लग रहा है कि प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बहुत टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। मुझे अगर कोई सक्सेस मिली है वो इसीलिए कि वो प्लेटफॉर्म मुझे सलमान भाई ने दिया, सलीम अंकल ने दिया, सोहेल भाई ने दिया। अपनी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, और प्यार किया तो डरना क्या के जो प्रेजेंटर थे वो वाशु जी थे, और वाशु जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, तो बहुत ही कोइंसिडेंटल बात है। एंड दीपशिखा जी उनकी डॉटर हैं जो हैप्पी हार्डी ये प्रोड्यूस कर रही हैं, और बहुत बहुत विजनरी हैं। सो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मुझे इतना प्लेटफॉर्म दिया गया है उसी तरह कहीं ना कहीं हर जगह पे एक टैलेंट छुपा हुआ है, और वो टैलेंट को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यू नो इन अभी मैं जो प्रमोशनल कॉन्सर्ट्स करूँगा वहाँ पर अगर ऐसी कोई बात है आपने तो यू नो आप अपने प्यार का इजहार किसी से करना चाहते हैं तो भी कीजिए, आप अपनी कोई भी टैलेंट को दिखाना चाहते हैं तो हमारे रेडियोज़ पे कॉन्टेस्ट भी चल रहे हैं, उसमें हिस्सा लीजिए आप, और मेरे साथ आपको स्टेज में अगर कोई भी किस्म का टैलेंट है, सिंगर है तो सिंगर, कोई भी एक टैलेंट आपको दिखाने का उसके विनर को, जो भी आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे हम मौका ज़रूर देंगे। हमारी तरफ से यही कोशिश है कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का हो या ना हो, कहीं से भी हो, उसे मौका देना चाहिए अगर उसमें टैलेंट है, और एक आपको अपने कॉम्पोजिशन के लिए या फिल्म के लिए सूट करता है, तो मुझे ऑलवेज ये जज्बा पर्सनली लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है हर इंसान में, बिकॉज इवेंचुअली हम लोग यू नो हम आते हैं, जन्म लेते हैं, अपने माँ बाप को सब लोग कुछ प्रूव करके दिखाना चाहते हैं लाइफ में, अपने घर वालों को, तो वो कैसे प्रूव करेगा एक आम आदमी, कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म से करेगा। तो वो जब वो प्लेटफॉर्म से मिलता है तो दिल से एक दुआ निकलती है, और मुझे लग रहा है कि वही कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआ रानू जी को लगी कि जिसकी वजह से उनको वो मौका मिला और वो गाना इतना बड़ा हिट हो गया। मैंने तो सिर्फ अपने मेकिंग इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट किया था, सो वो आपकी वजह से ही हुआ है कि आज ट्रेलर से पहले म्यूज़िक को इतना पसंद किया गया है, और आपको फिल्म में भी एक बहुत ही सेंसिटिव लव स्टोरी मिलेगी, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस मिलेंगे। मैंने अपने आप को, आपने मुझे पहले देखा है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है मेरा इन टर्म्स ऑफ माई फिटनेस, एंड आई हैव ट्राइड टू वर्क एज हार्ड एज पॉसिबल, बिकॉज एक्टिंग के जो फील्ड में, म्यूजिक में आप लोगों ने मुझे इतनी कामयाबी दी है, लेकिन एक्टिंग के फील्ड में नाउ यू नो आई हैव टू रियली गो टू दैट नेक्स्ट लेवल, प्रूव माई सेल्फ। जो मुझे लग रहा है कि हैप्पी हार्डी हीर एक ऐसा मौका है जिसमें आप लोग आइए देखिए, उसमें मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एंड एक एक छोटे छोटे नुएंसेस पर हमने बहुत काम किया है,
and meri team ne mere par mere sath bahut kaam kiya hai, so I'm hoping that ye love story aap logo ko bahut connect karegi. Meri love story ka promotion aap akele kaise kar rahe hain? Main isliye kar raha hu because hamari jo heroine hai Sonia Mann, usko uska ek bahut hi kamal ka character hai jisko hum trailer mein aapke samne jo promotions mein announce launch karenge, because uska kirdaar samajhna बहुत जरूरी है, जो आपको ट्रेलर से समझ में आएगा और उसके बाद ट्रेलर लॉन्च पे हमारी हीरोइन आपके सामने होगी. क्योंकि आज अभी मैं ट्रेलर के लिए एक चाहता हूँ कि पूरी बिल्डअप हो जाए कि इस फिल्म का ट्रेलर आने वाला है, वो हर जगह पर जाकर हम लोग चाहते हैं कि उसको बिल्ड किया जाए, बिकॉज यूजुअली फिल्मों का ट्रेलर पहले आता है और फिर गाने, तो यहाँ गाने आ चुके हैं तो हमारे पास एक मौका है कि फिल्म को पोजिशन किया जाए और ट्रेलर लॉन्च पर हमारी हीरोइन हमारे साथ होगी. सर गाने का कोई जरूरत नहीं, वो तो गाना है पड़ेगा सर, जरूर गाएंगे आपके लिए, जरूर गाएंगे हमारे मीडिया वाले भाइयों के लिए स्पेशली, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों का हमारे एक 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 आम आदमी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने का बहुत बड़ा हाथ है, तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए फॉर श्योर. टाइटल के बारे में बताइए, टाइटल पिक्चर का हैप्पी है, जो हरप्रीत सिंह लांबा नाम का एक बंदा है, सरदार है और पंजाब से है, और हार्डी इज हर्षवर्धन भट्ट, एक गुजराती बिजनेसमैन है जो शेयर मार्केट में जिसने बहुत पैसा कमाया है, देसी बंदा है लेकिन शौक के लिए अपनी म्यूजिक कंपनी भी चलाता है, और हीर जो है हीर रंधावा वो भी पंजाब से, और ये तीनों की जर्नी है, एक लव स्टोरी है स्कॉटलैंड में हमने शूट की है, और एक जो जिंदगी में प्यार की जर्नी में आपका बीता हुआ कल कैन वंस इन अ लाइफ टाइम हैपन ट्वाइस, ये जो हमारी टैगलाइन एक ही बार होता है, तो क्या सच्चा प्यार दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी एक बहुत बड़ा प्लॉट का एक ट्विस्ट है. एंड हीर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं जो वो अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानते, टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलती है बट बहुत ही क्यूट अंग्रेज़ी बोलती है, तो ये सारे किरदार के अपने अपने रंग हैं, और वो ट्रेलर में आपको समझ में बहुत जल्दी आएगा. और ट्रेलर हमारी पिक्चर 3 जनवरी को आ रही है, लेकिन उससे पहले जो ट्रेलर लॉन्च होगा शायद नवंबर एंड में या दिसंबर फर्स्ट वीक में हम लोग ट्रेलर आपके सामने लाएंगे. जी और बहुत से बॉलीवुड में अभी रीमेक सॉन्ग हो रहे हैं, तो रीमेक के बारे में आपका क्या ख्याल है? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अभी भी जो लोग हैं जो वो पुराने गानों को ज़्यादा सुनते हैं, जी, तो नए गाने को मतलब नए गाने करने के लिए लोग पुराने ही गानों का रीमेक कर रहे हैं, जी, तो वो भी लोगों को उतना पसंद आता है नहीं आता है, तो वो दोनों इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे लग रहा है कि उसको सवाल है कि आजकल के गाने जो है वो हिट होते और जल्दी ठंडे होते. देखिए मुझे ये लगता है कि मेलेडी होना बहुत ज़रूरी है कोई भी गाने में, तो तेरी मेरी कहानी आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबली नंबर वन सॉन्ग वो बन चुका है, तो कहीं ना कहीं प्योर रॉक बेस्ड मेलेडी जिसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक आम आदमी के लिए ट्यून में डाला जाए, लेकिन नोट्स बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के हो, पक्की बंदिश के हो, ये मैंने अपने पिताजी से जो म्यूज़िक सीखा उसमें मैंने यही सीखा कि प्योर मेलेडीज नेवर फेल्स. एंड हैप्पी हार्डी हील का पूरा म्यूज़िक बहुत ही मेलेडियस है, उसमें हमने आशिकी में तेरी मेरा ही हिट गाने को रिक्रिएट किया है, तो रिक्रिएट आजकल जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव बैंक्रप्सी है, जिसकी वजह से नए गाने कम बन रहे हैं या बन रहे हैं तो चल नहीं रहे हैं, लेकिन मेरा जो पिछला गाना है तेरा फितूर इतना बड़ा हिट हुआ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड सनम तेरी कसम के गाने, खींच मेरी फोटो, या अभी रिसेंटली तेरी मेरी कहानी, तो कहीं ना कहीं मैंने जो महसूस किया कि अगर प्योर मेलोडी के साथ अच्छा गाना वक्त लेकर बनाया जाए तो वो गाना आज भी चलता है,
और रिक्रिएशन अगर करना हो तो मुझे लगता है कि उसकी परमिशन उसके राइट्स कंपोजर से कंपनी से लेकर क्रेडिट देकर पुराने जो कंपोजर हैं उनको बहुत उनकी पोजीशनिंग उनके नाम की करेक्ट होनी चाहिए बिकॉज कितनी बार पुराने कंपोजर्स को जिनका गाना आप रिक्रिएट करते हैं उनका नाम होता है लेकिन ऐसे कोने में होता है तो वो करेक्ट पोजीशन अगर करके उसका नाम दिया जाए मेहनताना मिलता है क्या हाँ मेहनताना भी मिलना चाहिए तो ये सारी चीज़ें जैसे जावेद साहब ने ये कॉपीराइट का जो पूरा मुद्दा उठाया था आज हम लोगों को जो रॉयल्टीज बहुत अच्छी हो रही है सबके साथ तो वो उसी तरह ये रिक्रिएशन का भी मुद्दा विशाल दंडलानी ने सामने लाया है और बहुत सारे लोग अब इसके लिए जा रहे हैं मैंने तो अगर पहली बार अपना गाना रिक्रिएट किया लेकिन मैंने अपना ही गाना रिक्रिएट किया किसी और का नहीं किया तो उसमें क्रेडिट का कोई कमाया से ज़्यादा ये है कि भाई हमारी जो म्यूज़िक कंपनी है उन्हीं के पास उसके राइट्स भी थे और मैंने चाइना टाउन जो शाहिद कपूर की फिल्म थी सुभाष बेदी जी के लिए अब्बास मुस्कान जी के लिए वो पिक्चर में गाना बहुत हिट हुआ था और हमारी फिल्म का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि मोहब्बत की बात है वो एक थ्रिलर थी लेकिन आशिकी में तेरी जो नया वर्जन है वो अभी ट्रेंडिंग में नंबर वन है एंड वो इस फिल्म की बहुत ही बड़ी थीम पॉइंट से आता है वो लाइन जो है आशिकी में तेरी जाएगी चाहे मेरी और आपको अपनी मोहब्बत जरूर कनेक्ट कर जाएगी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर मैं किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ लता जी का आशा जी का रफी साहब का तो बहुत ही और आप हमारे इस फिल्म में अरिजीत ने बहुत अच्छा गाना गाया है हीर ये जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है एंड मैं अरिजीत सिंह का भी बहुत बड़ा फैन हूँ तो हमेशा लोग कहते हैं कि नए सिंगर्स में मैं सब पुराने लेजेंड्स तो मैंने उनका तो कोई जवाब ही नहीं है दीवानगी है लता जी के लिए आशा जी के लिए किशोर दा रफी साहब लेकिन नए सिंगरों में मैं अरिजीत सिंह का बहुत बड़ा फैन मराठी में कुछ न्यू फ्यूचर अरे 100% मराठी फिल्म में मैं म्यूजिक देना चाहता हूँ अब तक कभी दिया नहीं है लेकिन जरूर दूंगा और सुपरहिट गाना सुपरहिट पिक्चर करनी है मुझे और जय महाराष्ट्र कभी उड़ती महक कभी गीली फिजा कभी पाक दुआ तेरी मेरी कहानी अब आशिकी में तेरी जा जा जाएगी जा मेरी दे 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 पुणे में है कसम है आशिकी में तेरी जा जा जाएगी जा मेरी ओ हीरिये मेरी सुन जरा है इश्क मेरा सर फिरा फसाना ओ हीरिये मेरी सुन जरा है इश्क मेरा सर पेरा फसाना क्यूरी पाई क्यूटी पाई मेरे दिल का कमरा कर लो क्यों पाई क्यूरी पाई क्यूटी पाई क्यूरी पाई क्यूटी पाई 3 जनवरी को रिलीज हो रही है ट्रेलर बहुत जल्दी लॉन्च होगा थैंक यू वेरी मच लव यू पुणे जय महाराष्ट्र